Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. I'm Divyanshi and I welcome you all to a brand new video. So in today's video, this is going to be a very straightforward thing. I'll talk to you guys everything that I have in my heart and I'll just pour it all out. Yeah, this is 28th of October today and I have realized something really amazing, and that is I have a lot of backlogs again. And kyun hota hai ye backlog ka silsila, aisa kya hai jo kabhi khatam nahi hota? Well, ye kabhi khatam ho bhi nahi sakta kyunki syllabus hi itna zyada hai ki manage karna thoda sa tough ho jata hai, especially when you go on trips regularly. Yeah, attacking myself there, because yeah, I genuinely go on a lot of trips. सो बैकलॉग्स भरी जिंदगी तो है मेरी, लेकिन एक चीज बहुत अच्छा है कि मैं बहुत अच्छे से क्विकली कवर अप भी कर लेती हूँ. जैसे कि मैं कल परसों आई एंड मेरा कल ऑलमोस्ट जूलॉजी खत्म हो गया, आज मेरा जूलॉजी का बैकलॉग खत्म हो गया पूरा एंड मैं लाइव क्लास पे भी हूँ अब. सो दैट्स लाइक अ रियली ग्रेट थिंग. फिर बॉटनी में देखा जाए तो मैं प्लांट मॉर्फोलॉजी पहले से पढ़ के रखी हुई थी, तो वो भी मेरा डन है. फिर बात क्या फिजिक्स में, तो मैं ग्रेविटेशन पढ़ ली हूँ, मैं सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स वाला चैप्टर भी पढ़ के रखी हुई हूँ. सो वहां भी मुझे ज्यादा बर्डन नहीं मिलता. हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस एक अलग सिलसिला है जो कि मुझे करना जरूरी है, आई नो, एंड वो तो मुझे अब बहुत ज्यादा लगता है नीड कि हाँ यार मुझे, मैं लिटरली एक पूरा रूटीन बनाई हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस का एंड मैं करती भी हूँ. ऐसा भी नहीं कि मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा और लेवल पे जाना है. दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ. बट मेन प्रॉब्लम्स कम्स विथ केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं भूल जाती हूँ बहुत जल्दी. भूल जाती हूँ इन द सेंस कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उस चैप्टर का कुछ आ ही नहीं रहा है एंड मैं वापस से पढ़ती हूँ उसे. बट नाउ आई हैव रियलाइज वन थिंग एंड आई थिंक यू गाइज शुड ऑल्सो, अगर आपको भी यही प्रॉब्लम आ रहा है किसी भी सब्जेक्ट में, वेदर इट्स केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और एनीथिंग लाइक दैट और फिजिक्स, तो आप अप्लाई करो ये चीज कि ब्लर्ट आउट मेथड ट्राई करो. ठीक है, मतलब क्या क्या आ रहा है उस चैप्टर से, पहले तो एक बार पेजेस पलटा लो. टॉपिक्स, क्या ये टॉपिक मुझे आता है, क्या मुझे सब कुछ इससे समझ आ रहा है, नहीं तो मैं वापस से इस टॉपिक पे बैठ जाऊंगी. और वो भी मतलब पीडब्ल्यू के ऐप में तो ऑब्वियसली है ना कि हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ते हैं लेक्चर्स में, तो ये बेस्ट पार्ट है. अगर वो टॉपिक वीक है तो बस उस टॉपिक को कवर करो, स्टार्टिंग से जीरो से चैप्टर मत पढ़ो. क्योंकि क्या होता है, जब आप जीरो से वापस चालू करते हो तो जीरो टू लेके 60% तक तो आप बहुत एक्टिव रहते हो, बट फिर वो 40% आप फिर भूल जाते हो, और वो 40% ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, सो वो 40% आपको लगता है, वो 40% आपको नहीं आ रहा तो आपको वापस से जीरो टू रिवाइज करना, नहीं, आप पहले तो डिसाइड करो कि आपका कहाँ कहाँ एक्चुअली वीकनेस है. अगर एक्चुअली में पूरा चैप्टर आपको लगता है कि नहीं मुझे वापस से थ्योरी पढ़ना है, तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी के पास जाओ. केमिस्ट्री में भी कोई भी चैप्टर हो, लिटरली पहले आप एनसीईआरटी पढ़ो, ताकि आपको समझ आ जाए कि अच्छा इस हिसाब से मुझे जाना है, एंड उसके बाद आप लेक्चर्स देखो या फिर आप लाइक मैनेज कर लो कहीं भी नोट्स एंड वीडियोस से. वीडियो रुक गया था बिकॉज मेरा स्टोरेज फुल हो गया था. मैं क्या करूं इस दुनिया का, मेरे फोन में 80 GB मेरा फोटोज ले रहा है. आई डोंट नो मैं क्या कर रही हूं भाई. ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, याद रखना मेरे बातों को. अगर बैकलॉग बन जाए भाई, अभी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू हुआ है, दोज हु आर फॉलोइंग पीडब्ल्यू का अर्जुना बैच, मैं बता रही हूँ, अगर ऑर्गेनिक में बैकलॉग बना तो समझ जाना कि 11th की केमिस्ट्री तो गई पानी में. लिटरली आई एम नॉट इवन जोकिंग भाई. फिजिकल में बैकलॉग है मेरा, इक्विलिब्रियम पूरा का पूरा बैकलॉग है, मतलब 12 लेक्चर्स बाकी हैं मेरे, 12-13 लेक्चर्स, और रेडॉक्स पूरा मेरा बैकलॉग है. मतलब मैं सोचती हूँ कि जब भी मैं ट्रिप पे जाती हूँ सिलेबस इतना जल्दी भाग कैसे जाता है भाई, मतलब हद हो रहा है भाई, क्या बताऊँ मैं. एक्स्ट्रा क्लासेस लग गए 2-3, इसके कारण ऐसा हो गया आई थिंक. जो भी है. अब मेरा मोस्ट प्रायोरिटी वाला चीज़ है कि पहले तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लूँ, और मैं ज़्यादा रश नहीं करूँ, क्योंकि अब तो मेरे पास जनवरी तक का टाइम है वापस से सारे चैप्टर्स को फिजिकल में अच्छे से पढ़ने के लिए. और मैं ये भी ध्यान में रखूंगी कि मुझे साथ पैरेलली क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करके चलना है, क्योंकि अगर मैं वो नहीं की तो आई एम गॉन. ओके, आई एम लिटरली गॉन. ठीक है,
तो अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे, वो है कि आ रही है दिवाली. यस, सो 31 को है या 1 को, ये लिटरली एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी है. क्या चल रहा है आजकल भाई, कोई भी हिंदू फेस्टिवल आता है उसमें कोई ना कोई कॉन्ट्रोवर्सी आ जाता है. जैसे कि अष्टमी या नवमी का था ना, इसमें दुर्गा पूजा में उसमें था क्या कि किस दिन है किस दिन है, लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं, इतना ज्यादा पंचायत हो रहा है, सेम दिवाली के साथ हो रहा है. क्या चल रहा है भाई, बता दो एक दिन, क्लियर करो क्लियर करो. और अगर 2 दिन है तो 2 दिन की छुट्टी भी दो भाई, ये भी डैम श्योर ये तो करना चाहिए लोगों को, है ना. अगर 2 दिन हो रहा है तो फिर एक्स्ट्रा भी तो छुट्टी मिलना चाहिए, राइट. बट ठीक है ठीक है ठीक है, दिस इज बेटर देन दैट दिवाली जो कि एक बार संडे को आ गई थी. आई वॉज लाइक हार्ट ब्रोकन कि कोई फेस्टिवल संडे को कैसे आ सकता है. लाइक यू नो राखी भी जब संडे को आया था, आई वॉज लाइक दिस इज द वर्स्ट थिंग. क्यों क्यों क्यों, एक फेस्टिवल खा गया भाई संडे. एनीवेज, ये तो काफ़ी दुख भरी कहानी है. लेकिन अब मैं दिवाली के टाइम अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज करूँगी, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं रहती हूँ बिहार में एंड मेरे गांव में होता है काली पूजा, तो मुझे मेरे गांव भी जाना होगा काली पूजा में. एंड मैं हर साल जा रही हूँ पिछले जितने भी साल से मैं पैदल हूँ इस दुनिया में. मैंने सोच लिया एक दुनिया का अल्टीमेट ट्रूथ कि सुबह उठने वाला बच्चा को थोड़ा तो प्रिविलेज जरूर मिलता है, थोड़ा नहीं बहुत मिलता है भाई. सुबह उठ के दोपहर में सो जाओ, मज़े ही मज़े. लेकिन दोपहर में उठो तो लगेगा पूरा दिन वेस्ट हो गया. तो मतलब ये एक चीज है जो कि अल्टीमेट ट्रूथ है. देखो मैं उन लोगों को नहीं बोल रही हूँ जो लोग लेट नाइट पढ़ते हैं, गुड गुड, जैसे भी पढ़ना है एटलीस्ट पढ़ो तुम लोग, ठीक है. लेकिन मैं अपना बात बता रही हूँ कि मुझे लग रहा है सुबह उठने से मुझे प्रिविलेज ज्यादा मिल रहा है, इसलिए मैं उठ भी रही हूँ पिछले 2 दिन से. उससे पहले तो मैं ट्रिप पे थी तो मैं नहीं उठ पा रही थी क्योंकि मैं बहुत थक जाती थी शॉपिंग इतना भाई इतना कुछ. मैं उठूंगी सुबह, मैं कंप्लीट करूंगी अपने बैकलॉग्स को मेनली, एंड उसी के साथ मैं सुबह सुबह 5-6 क्वेश्चन किसी किसी चैप्टर से लगा लिया करूंगी जब मैं रहूंगी अपने विलेज में. मैं ट्राई करूंगी कि मैं एक दिन में 4-5 घंटे तो पढ़ लूं ही, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है हो पाएगा क्योंकि रात को जाना होता है वो सब फंक्शन वंक्शन देखने एंड ऑल. बट हाँ, ये भी अगर मैं कर ली तो आई थिंक आई विल बी 2 स्टेप्स अहेड ऑफ दोज हु विल नॉट स्टडी 1 आवर ऑल्सो. सो या दैट इज समथिंग प्लस पॉइंट. मैं आप लोगों को वो ईगो हर्ट कर रही हूँ ताकि यू गाइस आल्सो स्टार्ट स्टडिंग. बट हाँ, ऐसा नहीं है, दिवाली एक दिन का है भाई, अब दिवाली को सैक्रिफाइस मत करो. थोड़ा सा अपना एटीट्यूड सुधारो, जिस दिन कभी लगे कि आज एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं उस दिन एक्स्ट्रा पढ़ लो. अब सब कुछ थोड़ी मिलेगा जिंदगी में वापस से, तो या सो या. एंड मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि हाउ डू आई मैनेज माई सोशल मीडिया, लाइक आई एम ऑलवेज एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, मैं स्टोरीज लगाती रहती हूँ फालतू फालतू, तो मैं वो कैसे करती हूँ पढ़ाई करते टाइम. बहुत सिंपल है गाइस, मैं 2 घंटे पढ़ती हूँ, 10 मिनट इंस्टा पे रिपोस्ट. नहीं, एक्चुअली मैं क्या करती हूँ ना, जब मैं पढ़ती हूँ मैं बोर हो जाती हूँ तो मैं 5-10 मिनट आराम से इंस्टाग्राम चलाती हूँ एंड उस टाइम मैं पोस्ट एंड मैसेजेस रिप्लाई एंड ऑल सब कुछ करती हूँ. एडिटिंग कैसे करती हूँ, जिस दिन मुझे लगता है आज मैं सुबह उठ गई तो आज एडिटिंग कर पाऊंगी, पहले तो मैं 6-7 आवर्स अपना पढ़ाई कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं 1.5 घंटा एडिट करती हूँ जो कि सबसे कम है. सबसे हाईएस्ट मेरा 3-4 घंटा होता है, तो एक दिन में तो 3-4 घंटा नहीं कर पाती. I try to do it, you know, like divide. I try to divide it and then I do it on the interval of 2-3 days. Yes. इस वीडियो को मैं ऐसा नहीं करूंगी, इस वीडियो को कम्प्लीटली मैं बिना एडिटिंग के पोस्ट कर दूंगी ताकि आप लोग के पास जल्दी वीडियो पहुंच जाए एंड यू गाइज ऑल्सो गेट टू नो मोर कि क्या चल रहा है दिव्यांश जी के लाइफ में. अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, वो है कि क्या था वो पॉइंट. हाँ, अब आते हैं मेन मुकाम पे, अभी मेरा आगे का अप्रोच क्या रहेगा पढ़ाई के लिए. तो गाइज मेरा प्लान है कि दिसंबर तक मैं अपने सिलेबस को पूरा का पूरा फिनिश कर दूँ, जहां तक सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, ठीक है. मतलब जनवरी में तो हो जाएगा ना, इस बैच से अर्जुना 1.0 का तो खत्म हो जाएगा, तो मैं जनवरी से फ्री हो जाऊंगी. तो मैं ट्राई करूंगी कि उससे पहले मैं हर दिन अपना सिलेबस को अब रिव्यू भी करना चालू कर दूं. रिवाइज तो मैं करती ही हूँ, थोड़ा और रिवीजन भी रखूं और वापस चैप्टर्स बहुत बार पढ़ूं. हाँ, अब एक और चीज़ की, क्या मैंने कोई न्यू बुक लिया, रेफरेंस बुक एंड ऑल? नहीं गाइज, मैंने नहीं लिया है, बिकॉज मुझे जेन्युइनली बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे ड्रॉपर्स ने भी एंड बहुत सारे लाइक टॉपर्स ने भी ये चीज़ बोला है और मैंने सुना भी है कि अभी जो चल रहा है पहले उस पर फोकस कर लूँ, जब वो बैलेंस आउट हो जाएगा तो कितना भी रेफरेंस बुक बनाते रहो. और मेरे पास 12th भी है इस चीज़ के लिए ना, रेफरेंस बुक सॉल्व करने के लिए. तो हाँ, वो एक चीज़ है. मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं 12th पे सब कुछ थोप दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है. मुझे पता है 12th विल बी अ बिट टफर फॉर मी, क्योंकि मुझे बोर्ड वाले एग्जाम से बहुत डर लगता है यार, क्योंकि उसमें कुछ भी पूछने लग जाता है वो लोग. ओ गॉड्स, डेरिवेशंस. So this was me, Divyanshi, being very, very open about everything. I hope you guys learned a lesson or something. एक चीज़ जो मैं आपको बताऊँगी कि जिंदगी में कुछ भी कर लो, बैकलॉग तो होना ही है, बस बैकलॉग से लड़ना आना चाहिए.
इमोशनल हो गई आज, बहुत फनी हूँ ना, आई नो. अब मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने, बाय. मुझे आज पढ़ना है 10+ hours एंड कल है दिवाली, तो मुझे घर भी सफाई करना है. क्या मैं वीडियो बनाऊँ घर सफाई? नाइस.